गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस ऑन स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ मीन्स स्टोक्स गिव्स ए रूल अबाउट विस्कस फोर्स व्हेन ए बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी इन ए लिक्विड विथ टर्मिनल वेलासिटी। ठीक है, स्टोक्स ने एक रूल दिया था। वो रूल किस चीज़ का था? तो वो रूल था टर्मिनल विस्कस फोर्स का, कि किसी भी बॉडी पे विस्कस फोर्स कितना होगा जब वो टर्मिनल वेलासिटी के साथ नीचे आएगी। ठीक ना, इसी पे हम लोग बात करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने आपको फिगर बनाया है कि येलो कलर में, ये देखिए यहाँ पे एक जो है टब है, इसमें आपका एक लिक्विड फिलअप किया गया है और लिक्विड में जो है एक जो है बाल जो है स्फेरिकल बाल नीचे आ रही है, ये स्फेरिकल बाल नीचे गिर रही है। ठीक है, टर्मिनल वेलासिटी का कंसेप्ट हम आप लोगों को क्लास में बता दिए। तो अगर ये टर्मिनल वेलासिटी भी के साथ अगर नीचे आ रहा है तो स्टोक्स लॉ कहता है कि इस पे लगने वाला विस्कस फोर्स कितना होगा? 6 पाई ईटा आर वी। जिस पे लगने वाला विस्कस फोर्स कितना होगा? तो इस पे लगने वाला विस्कस फोर्स होगा 6 पाई ईटा आर वी। 6 क्या है? नंबर। पाई दिस इज ए कांस्टेंट व्हिच वैल्यू इज 22/7। ईटा कॉफिशियंट ऑफ विस्कासिटी, आर रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बाल, भी टर्मिनल वेलासिटी। इस तरीके से स्टोक्स लॉ ने दिया रूल। इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ द विस्कस फोर्स वर्किंग ऑन ए बॉडी फॉलिंग इन ए लिक्विड विथ कांस्टेंट टर्मिनल वेलासिटी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। तो ये स्टोक्स लॉ हुआ। इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसको डायरेक्ट आपको याद कर लेना है। ठीक है ना, इस तरीके से इसको याद करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन, टर्मिनल वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा? ठीक है, चलिए देखिए इसको। तो जो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन है, हम इसमें कुछ चीज़ें कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कंसीडर किया जाएगा। इसमें कंसीडर किया जाएगा कि एक लिक्विड है, जैसे ये कोई लिक्विड कंटेनर में फिलअप है और ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, आप लोग अपने से जो है इसको एडजस्ट करेंगे। एक मिनट, देखिए हम यहाँ पे फिगर बना रहे हैं। एक कंटेनर है, इस कंटेनर में लिक्विड फिलअप किया गया है। ठीक है, और इस लिक्विड में कोई एक स्फेरिकल बॉडी है, वो स्फेरिकल बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी के साथ नीचे गिर रही है, टर्मिनल वेलोसिटी भी के साथ नीचे आ रही है। तो जब ये स्फेरिकल बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी के साथ नीचे आएगी तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो स्टोक्स लॉ के अनुसार अगर हम लिखेंगे स्टोक्स लॉ के अनुसार, तो स्टोक्स लॉ कहता है कि इस बॉडी पे लगने वाला विस्कस फोर्स कितना होगा? 6 पाई ईटा आर वी, ये इतना विस्कस फोर्स लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि विस्कस फोर्स किसके बराबर होता है। तो जब ये टर्मिनल वेलोसिटी के साथ वो बॉडी या नीचे आती है तो विस्कस फोर्स किसके बराबर होता है? तो ये जो विस्कस फोर्स है, ये विस्कस फोर्स वेट और अपथ्रस्ट के रिजल्टेंट के बराबर होता है, वेट और अपथ्रस्ट के रिजल्टेंट के बराबर होता है। तो हम अगर वेट की बात करें तो बॉडी का वेट कितना होगा? तो वेट होगा mg। ठीक है, अगर इसको डेंसिटी के फॉर्म में लिखें mg को, तो हम लिख सकते हैं W इक्वल टू
डब्ल्यू इक्वल टू एम को लिख सकते हैं वी इंटू रो, रो जो है बॉडी का डेंसिटी है तो हम लिख दे रहे हैं रो, वी इंटू रो मास हो जाएगा इंटू जी, यहाँ से मिल जाएगा आपको वेट, ठीक ना, ये मिल गया वेट। अब हमें क्या चाहिए, तो हमें अब चाहिए अप थ्रस्ट, अप थ्रस्ट कितना होगा, तो देखिए अप थ्रस्ट की जो वैल्यू निकालेंगे वो वैल्यू हो जाएगा, अप थ्रस्ट इक्वल टू क्या होता है, अप थ्रस्ट इक्वल टू होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड बाय बॉडी, बॉडी कितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड किया उसका जो है वेट, तो इसको कितना लिखेंगे, तो भी वॉल्यूम ऑफ द बॉडी और इस सिग्मा लिख दे रहे हैं, सिग्मा क्या है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। देखिए यहाँ पे रो जो है डेंसिटी है बॉडी का, तो यहाँ बॉडी का वेट मिला है, और यहाँ सिग्मा लिख रहे हैं किसका डेंसिटी, तो ये लिक्विड का डेंसिटी, तो यहाँ पे जो निकलेगा यहाँ से निकलेगा क्या, अप थ्रस्ट मतलब वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, और वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर जो होता है क्या होता है, वो होता है आपका अप थ्रस्ट आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अनुसार। तो अप थ्रस्ट इक्वल हो गया भी सिग्मा जी, और वेट इक्वल टू हो जाएगा भी रो जी, ठीक है ना। तो अब हम इसमें देखिए यहाँ पे जो अभी रूल लिखे हैं कि हमें पता है कि जब कोई भी बॉडी जो है टर्मिनल वेलोसिटी के साथ नीचे आती है तो उसका जो है विस्कस फोर्स कितना होता है, तो वेट और अप थ्रस्ट के रिजल्टेंट के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ से हम विस्कस फोर्स निकाल चुके हैं, इसको इक्वेशन नंबर वन करेंगे, ये स्टोक्स लॉ से निकाला गया है, और यहाँ से हम निकाल दिए क्या वेट निकाल दिए, ठीक है, वेट को इक्वेशन नंबर टू कर देंगे, ये इक्वेशन नंबर टू हो गया, और यहाँ से निकाल दिए अप थ्रस्ट, अप थ्रस्ट को इक्वेशन नंबर थ्री कर देंगे। अब इन तीनों इक्वेशन को जो है इसमें रखेंगे, एफ वी इक्वल टू डब्ल्यू माइनस अप थ्रस्ट, देखिए हमें क्या रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, देखिए तो हमारा क्या था फार्मूला, इसमें था कि अप थ्रस्ट ए विस्कस फोर्स इक्वल टू वेट माइनस अप थ्रस्ट, तो ये अप थ्रस्ट हो गया। विस्कस फोर्स कितना है, सिक्स पाई ईटा आर भी इक्वल टू वेट कितना है, तो वेट है भी रो जी, और अप थ्रस्ट कितना है भी सिग्मा जी, माइनस करके कर देंगे। अब इसको साल्व कर लेंगे, तो देखिए इसको साल्व करेंगे तो मिलेगा कितना, तो साल्व करने पे मिलेगा, पहले तो इसको एक लाइन और साल्व कर लीजिए, इसके बाद सिक्स पाई ईटा आर भी की जो वैल्यू है वो हो जाएगा, इसमें से कॉमन ले लेंगे क्या भी इंटू जी कॉमन लेंगे, तो यहाँ मिलेगा रो माइनस सिग्मा, ठीक है, रो माइनस सिग्मा ये आपको मिलेगा। तो यहाँ से भी जो टर्मिनल वेलोसिटी है इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो भी की वैल्यू हो जाएगा भी जी अपान, जो भी की वैल्यू होगा वो वैल्यू हो जाएगा भी इक्वल टू भी जी इंटू रो माइनस सिग्मा अपान सिक्स पाई ईटा आर, ये जो है टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला हो जाएगा, ठीक ना, ये टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला हो जाएगा, इसको आप लोग तैयार रखेंगे। ये टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला हो गया, भी मतलब टर्मिनल वेलोसिटी इक्वल टू क्या, देखिए ये भी जो है इसको स्मॉल से लिखेंगे, यहाँ दो भी आ गया है, ठीक ना, तो दो भी में देखिए एक भी ये स्मॉल से लिखा गया, ये स्मॉल भी है जो स्पीड को बताता है, और ये कि यहाँ पे कैपिटल भी है जो कि वॉल्यूम को बताता है, तो इसको आप याद रखेंगे कि कौन सा स्पीड बता रहा है कौन सा वॉल्यूम बता रहा है, ठीक ना, इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ पे तैयार रखेंगे, ठीक। ये टर्मिनल वेलोसिटी ये स्मॉल भी होगा और ये कैपिटल भी होगा, ये कैपिटल भी जो है आपका क्या होगा वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बॉडी फॉलिंग इन द लिक्विड, ओके।